हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BK24 क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पिछले लेक्चर हम लोग बात किए थे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले लेक्चर हम लोग बात किए थे, जो हमारा पहला लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था, उससे हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री में पहला लेक्चर में बात किए थे कि उत्पाद और अभिकारक क्या किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। और हम लोग दूसरी लेक्चर हम लोग समझे थे, लेक्चर नंबर 2 में समझे थे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके साथ एग्जाम्पल भी समझे थे, पहला जो हमारा अभिक्रिया थी और दूसरी अभिक्रिया हम लोग समझे थे वियोजन अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें भी हम एग्जाम्पल के साथ समझे थे। और तीसरा आज पढ़ेंगे अभिक्रिया जो क्या है, विस्थापन या प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। यह तीन या चार पांच अभिक्रिया हम पढ़ाएंगे, पांच करीब करीब अभिक्रिया पढ़ाएंगे। तो पांचों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ना एक अभिक्रिया हर साल क्या है एग्जाम में पूछ देता है, और बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं तो उसको आसानी से लिख नहीं पाते हैं। अब लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बारीकी से मतलब वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, मतलब जितने लेक्चर आपको हैं, पहले लेक्चर में संयोजन अभिक्रिया, दूसरे लेक्चर में वियोजन अवघटन अभिक्रिया, और तीसरे लेक्चर में आपको बताएंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और चौथे लेक्चर में बताएंगे उभय अपघटन अभिक्रिया, और पांचवें लेक्चर में बताएंगे उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, इतनी अभिक्रिया में से आपको एक ना एक अभिक्रिया क्या करेगा, पेपर में एग्जाम में अवश्य पूछता है, जरूर पूछता है, और बच्चे क्या होते हैं लिख नहीं पाते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए लेक्चर नंबर आज हम 4 पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री का पहला भी अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न आपका लिए हैं, और हम लोग पढ़ेंगे आज विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो समझते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले आप लोग समझ ले रहे हैं कि विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे कहने का मतलब यह है कि माना कोई व्यक्ति पहले से यहाँ पे क्या है बैठा है, माना कोई व्यक्ति क्या है पहले से यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है वो बैठा है, और व्यक्ति को कोई आया और अधिक इससे मतलब अधिक मोटा तगड़ा इंसान आया और इस व्यक्ति को क्या किया यहाँ से हटा दिया, और हटा के क्या किया इसको इधर भेज दिया, मतलब कहा तुम दूसरी जगह पे जाओ बैठो, हम तुम्हारे जगह यहाँ क्या करेंगे बैठेंगे, तो इसको क्या किया यहाँ से विस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ गया होगा यहीं पे कि मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई एलिमेंट क्या होगा, कोई ना कोई तत्व क्या होगा विस्थापित होगा, और उसकी जगह पे कोई दूसरा तत्व तो आएगा। तो आइए हम समझते हैं यहाँ डिफिनेशन के तरीके से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हमने क्या बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया, जो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी जिसमें अधिक क्रियाशील, जिसमें क्या करेगा जो कोई तत्व क्या रहेगा अधिक क्रियाशील, क्रियाशील कहने का मतलब क्या है जो तुरंत किसी तत्व से रिएक्शन कर ले, जो क्या करे तुरंत क्या करे रिएक्शन कर ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अधिक क्रियाशील, जो मतलब क्या हो क्रियाशील अधिक हो। कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से क्या करेगा, जो कम क्रियाशील वाला तत्व रहेगा उसको क्या करेगा वहां से विस्थापित करेगा, तुम हट जाओ हम उसकी जगह पे आ जा रहे हैं, तो उसको क्या करेगा उस तत्व के परमाणु को क्या करेगा विस्थापित कर देगा, मतलब विस्थापित का हटा देगा और स्वयं उसका स्थान क्या करेगा ग्रहण कर लेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम आपको समझ गए होंगे क्या होती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब कोई क्या करता है पदार्थ, कोई एक एलिमेंट को क्या करता है जो कम क्रियाशील होता है उसको हटा के अधिक क्रियाशील वाला जब वहां पे बैठ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम क्या करेंगे, यह अभिक्रिया आपको पता है कि दो प्रकार की होती है, यह अभिक्रिया क्या होती है दो प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया पहली अभिक्रिया है, और दूसरी अभिक्रिया क्या करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसको भी इसी लेक्चर हम क्या करेंगे कवर करेंगे। तो आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया हम समझाने जा रहे हैं विथ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, और आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।
देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, जो हमारा आयरन है वो कॉपर से क्या है अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर रहा है विस्थापित कर दे रहा है, मतलब क्या कह रहा है हटा दे रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। आइए हम क्या करें यहाँ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। देखिए क्या दिया, आयरन कॉपर से अधिक, आयरन आपका इसमें क्या हो जाएगा Fe, देख लीजिए यहाँ पे सक्रियता श्रेणी हम लिखे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe, और प्लस किसके विलयन से निकाल रहा है कॉपर सल्फेट के, मतलब CuSO4, CuSO4 के विलयन से कॉपर क्या कर रहा है विस्थापित कर दे रहा है। देखिए यहाँ पे जो आयरन हमारा है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर क्या कर रहा है हटा दे रहा है और उसकी जगह खुद ले ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम अब क्या लिख सकते हैं Fe क्या है ये अधिक क्रियाशील है, Cu क्या है कम क्रियाशील है। तो कम और अधिक क्रियाशील को आपको जानने के लिए एक वीडियो हमारी है, जाकर आप उसको देख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी यहाँ पे भी लिखी है और वीडियो में हम बताए हैं कैसे क्या सक्रियता श्रेणी होती है। तो ये आपको चौथी लेसन में या तीसरे लेसन में मिलेगा क्लास 10th की केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे समझ लेते हैं सक्रियता श्रेणी मतलब ऊपर क्या रहेगा आपका बढ़ेगा और नीचे क्या होगा मतलब घटेगा, तो मतलब नीचे कम क्रियाशील वाले तत्व तो रहेंगे और ऊपर क्या रहेंगे अधिक क्रियाशील, तो नीचे जाते रहेंगे तो कम क्रियाशील की ओर आते रहेंगे, यदि आप ऊपर जाएंगे तो अधिक क्रियाशील तत्व तो की ओर जाते रहेंगे। तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि यह फिर क्या है अधिक क्रियाशील है, कापर क्या है कम क्रियाशील है, कैसे कम क्रियाशील है देख लीजिए आपका जो यह फिर यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे सीयू जो है कापर जो है नीचे है, तो इसकी वजह से यह फिर क्या हो जाएगा अधिक क्रियाशील और कापर क्या हो जाएगा कम क्रियाशील हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेगा कापर को यहाँ से विस्थापित मतलब हटा देगा तो इसकी जगह पे अपने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं FeSO4, यहाँ पे लिख सकते हैं FeSO4 और प्लस में कापर क्या क्या विस्थापित कर दिया मतलब यहाँ क्या हो जाएगा सीयू। अब इसको आपको पता है कि आयरन होता है इसका नाम क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और इसका नाम अब क्या हो जाएगा Fe मतलब आयरन सल्फेट, क्या हो जाएगा आयरन सल्फेट, क्या हो जाएगा आयरन सल्फेट, और बचा क्या आपका कॉपर। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या कर दिया अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या किया भगा दिया उसके जगह पे अपने आ गया, तो इसके पास इसका मतलब ये अधिक क्रियाशील है, हमने बताया कि जो रिएक्ट मतलब तुरंत कर ले जो अभिक्रिया तुरंत कर ले उसे क्या बोलते हैं अधिक क्रियाशील तत्व बोलते हैं, मतलब एकदम बेताब रहता है किसी तत्व से क्रिया करने के लिए, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं अधिक क्रियाशील बोलते हैं। तो यह अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझ रहे हैं कि दूसरी अभिक्रिया क्या है, दूसरी अभिक्रिया देख लीजिए जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट को कॉपर के क्या कर रहा है विस्थापित कर देता है। तो जिंक देखिए अब यहां पे इसको आप समझ गए होंगे, अब यहां पे हम लोग समझ रहे हैं या तो यहीं पे समझ ले रहे हैं। देखिए जैसे कि जिंक क्या है Zn, क्या है Zn, और जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 क्या करेगा अधिक क्रियाशील, मतलब ये क्या हो जाएगा अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा इसको कॉपर को विस्थापित कर देगा और अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अपने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं Zn SO4 और इसका नाम आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट और इसका नाम क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट और इसका हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा। तो यह क्या है अधिक क्रियाशील है, यह क्या है अधिक क्रियाशील है और यह क्या है कम क्रियाशील है, उसको क्या किया विस्थापित कर दिया, क्या किया विस्थापित कर दिया। तो इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझने की बात है जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करता है विस्थापित कर देता है। हमने क्या बोला कि देखिए यहाँ पे जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है कम क्रियाशील है, तो यहाँ पे जिंक क्या किया कॉपर को यहाँ पे हटा दिया और उसकी जगह पे अपने आ गया, तो इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे जिंक सल्फेट, क्या लिखेंगे जिंक सल्फेट, क्या लिखेंगे जिंक सल्फेट, और ये क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और यह क्या हो जाएगा आपका जिंक। तो इस एग्जाम्पल से आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सक्रियता श्रेणी आप याद कर लीजिए, इससे याद कह रहेंगे तो आपको पता रहेगा कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है।
लिए होंगे, अब उसको मिटा दिए हैं। अब हम लोग समझेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। एकल विस्थापन अपक्रिया आप समझ गए होंगे, अब हम बता रहे हैं कि द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया जब अभिकारक यौगिक अपने अपने आयनों की क्या करता है अदला बदली कर लेता है तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जब क्या करता है अभिकारक मतलब यौगिक जो अभिकारक होंगे तो उनके यौगिक जो होंगे उनके आयन क्या करेंगे आपस में अदला बदली कर लेंगे, जो चार्ज होते हैं उनके आयन जो चार्ज अदला बदली कर लेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम लोग पढ़े थे जो उसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था कि जब अधिक क्रियाशील क्या करता तत्व तो कम क्रियाशील को क्या करता हटा देता था तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते थे एकल विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में द्विविस्थापन में कि जब आयन जब मतलब जो यौगिक होंगे जो उनके चार्ज होंगे उनके अदला बदली से क्या होगा जो अभिक्रिया होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो उसमें देखिए इसे इस अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो एग्जांपल से हम पहला नंबर समझ रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट व पोटेशियम क्लोराइड। जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है पोटेशियम क्लोराइड के विलयनों को मिलाने पर उनकी आयन क्या करते हैं अदला बदली कर लेते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को आपस में मिलाएंगे तो जो उनके आयन होंगे आपस में अदला बदली कर लेंगे तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया को। सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा आपका AgNO3 क्या हो जाएगा AgNO3 वो पोटेशियम क्लोराइड प्लस में क्या हो जाएगा KCl क्या हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या करेगा Ag जब Ag को आयन के रूप में तोड़ेंगे मतलब सिल्वर नाइट्रेट को जब आयन के रूप में तोड़ेंगे तो Ag पे कौन चार्ज आ जाएगा आपको पता है कि Ag पे क्या होता है प्लस चार्ज हो जाएगा प्लस एक चार्ज हो जाएगा और NO3 पे क्या हो जाएगा आपका जो NO3 है इसपे माइनस एक चार्ज हो जाएगा ठीक है ना। तो इसको जब आयन के रूप में तोड़ेंगे तब ऐसा होगा। अब आप देखिए यहां से पोटेशियम के बारे में तो पोटेशियम को आपको पता है कि प्लस एक चार्ज आता है क्योंकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 19 और 2.8.8.1 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा त्यागे तो प्लस चार्ज हो जाएगा और सीएल पे कौन चार्ज होता है माइनस एक क्योंकि सीएल क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस तरह आयन के रूप में इसको क्या किया हमने तोड़ दिए और हमें प्राप्त में देखिए क्या मिलेगा जब आयन आपस में अदला बदली कर लेंगे तो देखिए यहां पे क्या मिलेगा जो प्लस वाला है जो प्लस एक है एजी है वो क्या करेगा माइनस से क्या करेगा यहां पे जुड़ेगा तो एजी और यहां पे जो माइनस वाला प्लस आयन से क्या करेंगे अदला बदली करेंगे तो यहाँ पे जुड़ेगा। तो देखिए एजी मतलब क्या हो जाएगा एजी और क्या लिख सकते हैं हम लोग सीएल क्या लिखेंगे सीएल और प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग NO3 मतलब क्लोराइड तो NO3 मतलब पोटेशियम तो पोटेशियम वाला पहले ही क्योंकि प्लस वाला पहले लिखेंगे और माइनस वाला बाद में तो ये क्या हो जाएगा पोटेशियम क्या हो जाएगा पोटेशियम NO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट और क्या होगा सिल्वर क्लोराइड। तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड और इधर क्या हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा नाइट्रेट क्या जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा हमने कुछ नहीं किया जो हमारा एजी मतलब सिल्वर नाइट्रेट था उसको आयन के रूप में तोड़े हैं तो एजी पे प्लस चार्ज और NO3 पे माइनस चार्ज। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब हम लोग तोड़े हैं तो पोटेशियम प्लस चार्ज और क्लोराइड पे माइनस एक चार्ज। तो जब आयनों का क्या किए अदला बदला किए हैं तो प्लस और माइनस का इधर किए हैं तो AgCl हुआ है यहाँ पे और इधर जब किए हैं पोटेशियम और NO3 का तो क्या हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट हुआ है। तो यह अभिक्रिया आपको आसानी से इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अब हम समझ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर दो। तो एग्जाम्पल नंबर दो क्या बोला है सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के विलयनों को मिलाने पर उनके आयन आपस में क्या करते हैं अदला बदली कर लेते हैं। तो देखिए सोडियम सल्फेट आपको पता है कि Na2SO4 होता है क्या होता है Na2SO4 होता है और वो प्लस में क्या हो जाएगा बेरियम क्लोराइड तो Ba क्या हो जाएगा Cl2 क्या हो जाएगा BaCl2 हो जाएगा। तो जब इनके आयन आपस में मिलेंगे
तो इनके आयन जो आपस में क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो क्या बना रहे हैं अभी हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बना रहे हैं, तो Na2 पे आपका कौन सा चार्ज रहता है, Na पे पता है कि आपको यहाँ पे लिखा भी गया होगा कि क्या Na एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 तो 2, 8, 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस एक चार्ज हो जाएगा। SO4 पे आपको पता है कितना हो जाएगा, 2- चार्ज होगा, क्या हो जाएगा 2- चार्ज होगा SO4 पे। और यहाँ पे Ba पे क्या हो जाएगा, मतलब बेरियम पे क्या हो जाएगा, 2- चार्ज होगा और 2+ चार्ज होगा, क्या हो जाएगा 2+ चार्ज होगा। और Cl2 पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -1 चार्ज होता है, क्या होता है -1 चार्ज होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, Na से क्या करेंगे प्लस, इधर माइनस से अदला बदली करवाएंगे, और SO4 क्या करेंगे Ba से क्या करेंगे अदला बदली करवाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे आसानी से आप लिख सकते हैं कि Na क्या हो जाएगा, Na पे प्लस चार्ज, और क्या हो जाएगा Cl पे माइनस चार्ज, और SO4 पे 2- चार्ज, और बेरियम पे 2+ चार्ज। तो अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 2- चार्ज भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि Cl2 दो है, तो इस पे 2- चार्ज भी हो सकता है, ठीक है ना, तो आप लगा सकते हैं, एक बिरेगा तो कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या मिलेगा, Na पे प्लस चार्ज, तो हमने क्या किया Na लिख दिया, और इससे किससे किया है Cl से, तो क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका SO4 और Ba। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले प्लस वाला लिखेंगे तो Ba हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Ba क्या हो जाएगा आपका SO4, क्या हो जाएगा SO4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, और इसको हम लोग बोलेंगे बेरियम सल्फेट, क्या बोलेंगे बेरियम सल्फेट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे बेरियम सल्फेट। तो यह थी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कैसे कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा, हमने कुछ नहीं कहा कि बस आयनों की अदला बदली जब होगी तो क्या कहलाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की क्या करेंगे अदला बदली करेंगे। तो अदला बदली कैसे किया आप लोग समझ गए, प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से, जब पहले किसको लिखेंगे प्लस वाले को लिखेंगे, उसके बाद माइनस वाले को लिखेंगे। तो हमने इसमें कुछ नहीं बोला, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड के विलयनों को मिलाने पर उनके आयन आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे Ag मतलब Ag सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, तो इसमें क्या Ag पे प्लस चार्ज और NO3 पे माइनस चार्ज, और पोटेशियम पे प्लस वन चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। तो Ag क्या किया, इससे अदला बदली किया क्लोरीन से, और NO3 नाइट्रेट किससे किया पोटेशियम से किया, तो Ag Cl मतलब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे बना। और दूसरा हमने क्या होता है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयनों को मिलाने पर उनके आयन आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट हो जाएगा आपका, और प्लस क्या हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Na पे प्लस चार्ज, और सल्फेट पे क्या हो जाएगा 2- चार्ज, और यहाँ पे आप 2 भी लगा सकते हैं क्योंकि बैलेंसिंग के लिए। अब यहाँ पे SO4 पे 2- चार्ज, और बेरियम पे 2+ चार्ज, और क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे 2 भी रहेगा कोई बात नहीं रहेगी, क्या हो जाएगा -2 भी रहेगा तो कोई बात नहीं। तो Na क्या हुआ, इससे क्लोरीन से किया क्योंकि प्लस और माइनस से अदला बदली किया, तो क्या हो गया NaCl हो गया, और सल्फेट मतलब बेरियम क्या किया, सल्फेट बेरियम से अदला बदली किया, तो इसका क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट, क्योंकि प्लस वाला पहले लगेगा, और इसको क्या बोलेंगे बेरियम सल्फेट। तो यह अभिक्रिया आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।